कल दोपहर वेले जिहड़ा बेजर सिंह अपने साबका चेयरमैन सीगा उन्हां दी जिहड़ी कल गोलियां लगन करके जिहड़ी मौत हो गई है उसके संबंध में साडी टीम वालों जिहड़ा वा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल च लिआंदी मुकदमा दर्ज करन तों बाद जिहड़ी इस इंसीडेंट की मुख दोषण सीगी उसनों साडी टीम वालों जिहड़ा अरैसट किया गया अरैसट करके जिहड़ा मौके दे उत्ते वरत्या हथियार सीगा जी वह भी उस कोलों प्राप्त किया गया जी लेडी है ये अमनदीप कौर आ पुत्री भाग सिंह मकबूलपुर अमृतसर की रहने वाली है तो इस जिहड़ा पैलेस सीगा पैलेस दे विच डेकोरेशन का काम करती सी तो करीब 2013 तो जिहड़ा इस पैलेस दे विच काम भी कर रही थी इतने स्टे भी इतने कर रही थी वैपन जिहड़ा वा डिसीज का वैपन आ डिसीज दे वैपन नूं इन्हें जदों इन्हां दा आर्गूमेंट शुरू हुई उसका वैपन ही इन्हें कहो के जिहड़ा वा ये उस वैपन तो ही मेजर सिंह उन्हां दे गोलियां मारी वैपन पहला ही मतलब ट्रेड नहीं लगता है जिवें वैपन ही जिहड़ा वैपन आ जी ये जिहड़ी आपां कहीए भी ट्रेंड नहीं उन्हें उन्होंने कॉ करना आता सीगा कॉ करन तो बाद जिहड़ा वा उन्हें जिहड़ियां उत्थे फायर कीते आ फायर करके जिहड़े आ उहदे दो जिहड़े फायर आ उहदे लगे ने कुल तीन फायर जिहड़े मौके ते होए ने जिहड़े कोल सानूं बरामद होए ने सर वजह रंजिश की रही है इहनूं मतलब वजह जिहड़ा काफ़ी चिर तो इत्थे डेकोरेशन का काम करदी सीगी कुछ उस डेकोरेशन के पैसे तो इन्हां दा आपसी हिसाब सीगा वह हिसाब के उन्हां कोलों पैसे की मंग करती सीगी उस मंग दे विच इन्हां दा तकरार शुरू होया उस तकरार शुरू होण तों बाद ये हीट ऑफ द मोमेंट दे विच जिहड़ा वा उत्थे ये जिहड़ा गल इन्नी वध गई भी इन्हां दा तकरार इत्थों तक पहुँच गया कि ये उहदे हत्थों ही वैपन खो के उहनूं उहदे पिछे भज के जिहड़ा वा उन्हां दे गोलियां मार दित्ती गईआं।